हाय, मेरा नाम है डॉक्टर रस्या दीक्षित। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट बैंगलोर से बोल रही हूँ। हमारा क्लिनिक कोरमंगला में है और मैं 18 सालों से डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। डीप एक्ने स्कार्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एक्ने स्कार जो होता है वो हमेशा जब एक्ने हो रहा है उसके तुरंत बाद ट्रीट करने से उसका स्कारिंग का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो काफ़ी अच्छे तरह से होता है। लेकिन जब स्कार्स पुराने हो जाते हैं, ऐसे होता है कि कभी कभी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया बचपन में, उसके बाद आपको बाद में ट्रीटमेंट कराना हो तो भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन एक्ने स्कार के प्रोसेस में क्या होता है, एक्ने आपका स्किन का जो डर्मिस है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, दोनों का नुकसान हो जाता है। तो आपका स्किन का सपोर्ट है वो फर्म नहीं है। तो पहले स्टेप में जो फाइब्रस बैंड्स बोलते हैं, जो स्किन को नीचे खींच रहा है, उसको रिलीज़ करने का एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है सब्सिशन। ये सब्सिशन होने के बाद अगले स्टेप में हम कोलेजन को इंड्यूस करते हैं, कोलेजन को, नया कोलेजन जो बनता है स्किन में उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लेज़र कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र या माइक्रो नीडल RF करके रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक होता है। डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, अगर आपका स्कार जो है वो बहुत पतला है और ऊपर ऊपर से है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, और बहुत गहरा है और आपका स्किन का कलर भी थोड़ा डार्क है तो माइक्रो नीडल RF, ऐसे चूज करके आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सलाह देंगे। याद रखिए कि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इसको हमें मंथली करना पड़ेगा ताकि कोलेजन जो है बनते रहे। 6 से 8 ट्रीटमेंट के बाद आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से, जो एक ग्रोथ फैक्टर आपका खून से हम निकालते हैं, उसको डालने से और जल्दी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। इसके साथ अगर आप लास्ट में खुश नहीं हो तो नैनोफैट फिलर या हाइलुरोनिक एसिड जेल फिलर डाल के भी स्कार्स को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह।